मैं शाही महल में रहते हुए इतनी अज़ियत का शिकार थी कि मज़ीद ज़िंदा रहना नहीं चाहती थी। हमें शाही महल में नज़रअंदाज करने की भरपूर कोशिश की गई। दोस्तों, ये अल्फाज हैं मेगन मर्कल के, जो बरतानवी छोटे शहजादे हैरी की बीवी हैं। हाल ही में एक अमरीकी टीवी एंकर को इंटरव्यू देते हुए मेगन और हैरी ने बरतानवी शाही महल की अंदर की ऐसी बातें बता डाली कि पूरी दुनिया का मीडिया हैरान रह गया। हैरी और मेगन ने बहुत सारे तल्ख हकाइक से पर्दा उठा दिया और बरतानवी शाही खानदान से अलहदगी की असल वजह भी बता डाली। मेगन और हैरी ने इंटरव्यू में ऐसी क्या बातें कह दी कि जिसके लिए बरतानवी शाही खानदान इस इंटरव्यू को नशर होने से रुकवाने के लिए कोशिशें करता नजर आया। और बहुत सी ऐसी बातें जो बरतानवी शाही महल से कभी बाहर नहीं आईं, वो पहली बार इस इंटरव्यू की सूरत में मंजरे आम पर आ गईं। दोस्तों, मेगन और हैरी ने इस इंटरव्यू में कौन से राजों से पर्दा उठाया कि जिसकी वजह से शाही खानदान इस इंटरव्यू को रुकवाने के लिए मजबूर हुआ, इस इंटरव्यू की सारी तफसील आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल की शादी 19 मई 2018 को बर्तानिया के विंडसर कैसल के सेंट जॉर्ज चैपल में हुई। हैरी बरतानवी शाही खानदान के रुकन हैं और मेगन मर्कल एक अमेरिकन हैं और साबका पेशे के लिहाज से एक अदाकारा रह चुकी हैं। अपने बेटे की पैदाइश के कुछ अरसा के बाद प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मेगन मर्कल ने बरतानवी शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करके यूएसए में सेटल होने का फैसला किया, और इस फैसले से प्रिंस हैरी को शाही खानदान की तमाम तर सहूलियात, टैक्सेस से छूट और दीगर मराहत से हाथ धोना पड़ा, जिसको प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल ने बखुशी कबूल किया। और बरतानवी शाही खानदान से अलहदगी के बाद प्रिंस हैरी ने अपनी वालिदा लेडी डियाना की विरासत से हासिल हुई प्रॉपर्टी को जेर इस्तेमाल लाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। और प्रिंस हैरी के मुताबिक, उन्होंने अलहदगी के बाद नेटफ्लिक्स समेत कई इदारों के साथ शोज के एग्रीमेंट भी साइन किए। प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल का बरतानवी शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करना बरतानवी मीडिया समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी, और मीडिया तब से लेकर आज तक इसी कोशिश में रहा कि किसी तरह इनकी अलहदगी की असल वजह मंजरे आम पर लाई जाए। और आखिरकार एक अमेरिकन टीवी एंकर ओपरा विनफ्रे ने मेगन मर्कल और प्रिंस हैरी का 1-to-1 इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू में दूसरी बातों के अलावा ज़्यादा फोकस और सेंटर पॉइंट उनका शाही खानदान से अलहदगी की वजूहात जानना था। और फिर मेगन मर्कल और प्रिंस हैरी ने बहुत सारे ऐसे तल्ख हकाइक पहली बार मीडिया पर बताए जिसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोस्तों, सारे इंटरव्यू की तफसील बयान करना इस वीडियो में मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन बातों से आगाह जरूर करूं जो पूरी दुनिया के मीडिया पर टॉप स्टोरी बन चुकी हैं। दोस्तों, जब मेगन से शाही खानदान से अलहदगी के बारे में सवाल किया गया तो मेगन का कहना था कि जब उन्होंने हैरी के साथ शादी का फैसला किया तो मुझे शाही खानदान के रस्म व रिवाज और पाबंदियों का ज़्यादा अच्छे से इदराक नहीं था, लेकिन शादी के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि हैरी के लिए मैं शाही महल के तमाम रस्म व रिवाज की कदर करूं और उनको पूरा करने की कोशिश करूं, क्योंकि मैं हैरी से प्यार करती हूं। मेगन ने यह इंकशाफ किया कि जब वो हामिला थी तो महल के अंदर उनके आने वाले बच्चे के रंग को लेकर बातें होने लगी थीं कि मेरा रंग सांवला होने की वजह से हमारा आने वाला बच्चा भी काला पैदा होगा। बच्चे के रंग को लेकर तहफ़ुज़ात की बातें महल में होना शुरू हो गईं, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे थीं, और मेरे अंदर खुदकुशी करने की सोच पैदा होना शुरू हो गई थी। और फिर हैरी ने कहा कि शाही महल की तरफ से मेगन की इस ज़हनी हालत के लिए कोई मदद फराहम नहीं की गई, बल्कि ये जवाब दिया गया कि यह कोई ज़रूरी बात नहीं कि जिसको डिस्कस किया जाए।
हैरी ने कहा कि जब मैं शाही महल में मैगन के हालात को देखता था तो मुझे अपनी मरी हुई माँ डियाना का ख्याल आता था, क्योंकि वो भी शाही महल में कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजरी थी जिनसे अब मैगन गुजरी है, और मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना तकलीफ दे है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि तारीख खुद को दोहरा रही है, और मुझे इस बात का भी दुख है कि शाही खानदान से अलहदगी के बाद शाही खानदान की तरफ से हमें सिक्योरिटी फराहम करने से भी इनकार कर दिया गया, जो मेरा हक था। मैगन और हैरी का कहना था कि शादी के बाद शाही महल में उनको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने लगा था, और बहुत सारे मामलात में उनको शामिल करने और डिस्कशन के लिए भी बुलाया नहीं जाता था। हैरी ने कहा कि वो अपने वालिद प्रिंस चार्ल्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो आखिरी दिनों में अपने वालिद से बहुत नाउम्मीद हुए, क्योंकि आखिरी दिनों में उनके वालिद ने उनकी कॉल्स तक रिसीव करना बंद कर दी थीं, और मुझे अपना मौकफ उनके सामने रखने का मौका तक नहीं दिया गया। हैरी का मजीद कहना था कि मुझे लगता है कि हमारे बारे में उनके वालिद और मेरी दादी क्वीन एलिजाबेथ दोईम को गलत फीड किया जाता रहा। जैसे कि जब मैंने महल में अलहदगी के बारे में बात का इजहार किया तो मेरी दादी क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे और मैगन को अगले दिन के लिए मीटिंग का टाइम दिया ताकि इस टॉपिक पर डिस्कशन करके कोई हल निकाला जा सके, लेकिन जब मैं और मैगन मुकर्रर वक्त पर क्वीन के रूम में पहुंचे तो क्वीन ने मसरूफियत की वजह बताते हुए हमसे मिलने से इनकार कर दिया, और हमारे महल से जाने तक हमसे मुलाकात नहीं की गई। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा सख्त फैसला ये लिया गया कि हमारे बेटे को भी शाही ख़ानदान से मुकम्मल अलहदा करने का हुक्म दे दिया गया, और कहा गया कि हमारे बेटे को भी किसी किस्म की कोई शाही निस्बत नहीं अता की जाएगी, जिस पर हम दोनों को दुख हुआ। हैरी का मजीद कहना था कि उन्होंने कभी भी नेटफ्लिक्स से मुआहदा करने का नहीं सोचा था, लेकिन मुझे शाही ख़ानदान की तरफ से मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनकी तरफ से 2020 के अवाइल में ही माली तौर पर कट ऑफ कर दिया गया था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं अपने और अपने बीवी बच्चों के सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकूं। जहां तक मेरे और मेरे भाई विलियम के बाहमी ताल्लुक की बात है तो मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, और हमने बचपन से जवानी का वक्त एक साथ और बहुत अच्छा गुजारा है, लेकिन अब हम दोनों मुख्तलिफ रास्तों पर हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। हैरी ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि मैगन और रॉयल फैमिली के मेंबर्स के दरमियान अहम मोड़ तब आया जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मैगन ने शाही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वहां के लोगों का दिल जीत लिया, जिस पर बहुत सारे शाही मेंबरान का मैगन के साथ हसद खुलकर सामने आ गया। अगरचे मैगन को रॉयल ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी और मैगन गूगल से रॉयल प्रोटोकॉल्स को सीखने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं उस पर फख्र कर सकूं। हैरी का कहना था कि मैगन के साथ शादी के बाद मेरी आंखें खुली और मुझे महसूस हुआ कि मैं जहां पैदा हुआ हूं, इस महल ने मुझे ट्रैप किया हुआ है। मेरे वालिद और भाई भी दोनों फंसे हुए हैं और उनको इससे निकलने नहीं दिया जा रहा। मैगन का कहना था कि महल में आकर उनको एक जेल का एहसास होने लगा था, और शाही महल में आते ही मेरे से मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड्स ले लिए गए, जैसे किसी कैदी से जेल में आने पर उसका सारा सामान कब्जे में ले लिया जाता है। और इस बात ने मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला, और जहां तक बात है क्वीन के साथ मेरे रिलेशन की तो वो हमेशा मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आईं। हैरी और मैगन ने इंटरव्यू में अपने दूसरे बच्चे के जेंडर का भी ऐलान किया, जिसके मुताबिक उनके यहाँ बहुत जल्द एक बेटी की पैदाइश होने वाली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।